हेलो तो गाइस, हमारा दोस्त हमारा चंद्रयान 3 भारत पर, मतलब भारत हमारा इतनी ऊंचाई पर चले गया है नरेंद्र मोदी के इस कारण में। मतलब हमारा भारत क्या क्या प्रगति कर रहा है आप देख ही रहे हैं। 2023 में हमारा चंद्रयान 3 साउथ पोल की इस जगह पे उतरा है, मतलब जहाँ पर कभी उतरा नहीं, और उसका चंद्रयान 3 का वो जहाँ उतरा है वहाँ पर अपने पंत्र प्रधान ने उसका वो पॉइंट का नाम रखे है शिव भक्ति। तो आपका क्या कहना है इस बारे में बताइए। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे साइंटिस्ट जो है काफ़ी खुश है इसरो के, और उन्होंने काफ़ी अच्छी बात कही है। आपको मैं वीडियो बताता हूँ, देखिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। सर, वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। इंडिया इज ऑन द मून। Sir, I request our honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. तो चंद्रयान 3 हमारे डॉक्टर इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर सोमनाथ बताते हैं कि चंदा मामा दूर की, अब चंदा मामा भारत की, एक काफी अच्छा मुहावरा है देखा जाए तो। और साइंटिस्ट की खुशी और उन्होंने क्या कहा है देखिए, अभी आपको हम वीडियो में बताते हैं। मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उम्दा। रेडी रेडी। हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है फैजल शेख। हमारा मुद्दा है इंडिया ऑन मून, मतलब भारत अब चांद पर। आप काफ़ी अफवाह सुने होंगे, सुशांत सिंह के कई प्लॉट्स हैं, शाहरुख खान वगैरह इनके वगैरह काफ़ी प्लॉट्स हैं, ये अफवाह सुने होंगे आपने। इसका मतलब हो नहीं सकता, और आगे जाके हो सकता है कि हमारे मानव जाति के लोग चांद पर रहे। ऐसा शायद कुछ किया है तो आपका क्या कमेंट है इसमें बताइए। धन्यवाद। हो सके 2042-2050 तक की। और हमारा ये था कि इंडिया ऑन मून चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 पर ज़्यादातर देखिए तो हमारा ये बहुत प्राउड की बात है। और स्टूडेंट्स आपको बता दें कि चांद और धरती का अंतर 23.44 डिग्री तक है। इसका मतलब आप कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि अपना चांद और धरती अगर टूट गया तो कौन से मतलब स्पेस का नाश होगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और बताइए कि हमारा चंद्रयान 3 मिशन इतना कुछ किया है तो आपका क्या कमेंट है इसमें बताइए। धन्यवाद। देखिए अभी अभी हम बिहाइंड में हमारे शिवाजी कॉलेज है, भाऊ साहब है ये आपको दिखा रहे हैं, जो भारत के पहले कृषि मंत्री है। और चंद्रयान 3 पर हमारा बहुत बड़ा योगदान है देखा जाए तो, हमारे इसरो के अध्यक्ष का काफ़ी अच्छी बात है और काफ़ी प्राउड की बात है। तो आपको कैसा लगा, यहाँ से वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।